सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे प्लस का आइकॉन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ऑल फोटोज, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको काली जी वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। इस तरह से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद अब इस फोटो में आपको अपने फोटो का PNG लगाना है। तो PNG इमेज लगाने के लिए इधर सेलेक्ट करना है, यहाँ से एड फोटो पे आना है और यहाँ से आप अपने फोटो का PNG इमेज ऐड कर ले। तो PNG इमेज किस तरह से बनता है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो खींच करके बड़ा करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर ले। अगर आप चाहते हैं इसको फ्लिप करें, रोटेट करें, तो यहाँ पर फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप फ्लिप कर ले। अब फोटो खींच के बड़ा करके अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर ले। एडजस्ट करने के बाद अगर चाहते हैं इसका शेडो दे, तो शेडो देने के लिए यहाँ पे आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके शेडो बना लेना है। और यहाँ पे देखें दो एडजस्ट पॉइंट है, इसको ऊपर नीचे करके आप अपना शेडो को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट हो जाने के बाद अब यहाँ देखें बगल में राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर लें। अब इसमें क्या करना है, नीचे पैर के नीचे भी आपको शेडो देना है, तो इसके लिए टूल्स पर आना है, यहाँ से आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्राइटनेस लेवल को आपको नीचे कर देना है इस तरह से। फिर इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। लास्ट में इन्वर्ट है, इन्वर्ट करने के बाद सेकंड में देख सकते हैं रिस्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हार्डनेस, ओपेसिटी और साइज तीनों को आपको कम कर लेना है। कम करने के बाद अब क्या करना है, फोटो को जूम करके आपको पैर के नीचे शेडो बनाना है। तब पैर के नीचे और जांघ के नीचे शेडो बना लेते हैं, देख सकते हैं मैं आपको किस तरह से शेडो बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेडो बनाने के बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर दे। उसके बाद यहाँ पे राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर दे। अब इसमें एक हवन कूट बैठाना है, तो इसके लिए इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको एड फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको हवन वाला PNG इमेज को ले लेना है, हवन कुंड। इस तरह से लेने के बाद इसको भी खींच के बड़ा करके आप अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर ले। अगर शेडो देना है तो यहाँ पर शेडो का ऑप्शन है, शेडो पर क्लिक करके शेडो दे लें और यहाँ पर दो पॉइंट देख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से शेडो को एडजस्ट कर लें। उसके बाद राइट का निशान यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हाथ के पास चम्मच लगाना है। चम्मच लगाने के लिए एड फोटो पे आके आपको चम्मच यहाँ से इस तरह से ले आना है, फोटो को जूम करके चम्मच को आपको उंगली के पास इस तरह से अच्छी तरह से रोटेट करके सेट करना है। उसके बाद इरेज वाला ऑप्शन पे आके फिर यहाँ पे नीचे जूम करके अंगूठा के पास इस तरह से इरेज कर देना है। इरेज हो जाने के बाद अब इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऊपर देखें राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब इसमें फिर इधर स्लाइड करना है, एड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस बार आपको ये वाला इमेज, कलर वाला इमेज को ऐड करना है। इस तरह से ऐड करने के बाद इसको खींच के आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपको इसमें इरेज करना है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइन लाइन दिखाई दे रहा है, इसको इरेज करने के लिए इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से इरेज वाला पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों को इस तरह से कम करके अब उस फोटो को जूम करके आपको किनारे किनारे इरेज करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से इरेज कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी इरेज करना है। उसके बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद फिर से आपको इधर स्लाइड करना है, फिर से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ये वाला कलर को ऐड करना है। इसको भी आपको क्या करना है, खींच कर फुल स्क्रीन इस तरह से कर देना है और इसको भी इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके नीचे इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों को इस तरह से कम कर लेना है। कम करने के बाद अब फोटो के यहाँ पर इस तरह से इरेज कर लेना है। इरेज हो जाने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर में राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर देख सकते हैं राइट का निशान है, यहाँ से आपको ओके करना है। अब आपको फिर से इधर स्लाइड करना है, फिर से एड वाला फोटो पर आना है और इस बार आपको ये वाला इमेज, स्मोक इमेज, इसको ऐड करना है, धुएं वाला इमेज। ऐड करने के बाद इसको खींच के फुल स्क्रीन कर देना है और इसका जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसको रिमूव करने के लिए ब्लेंडिंग पे आके यहाँ से स्क्रीन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपका फोटो यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको फिर से स्लाइड करना है, एड फोटो पर आना है और आपको इस बार ये कलर ब्लास्ट वाला ऐड करना है। अब इसको खींच के फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पर भगवान के माथे के पास, सर के पास इस तरह से ले आना है। उसके बाद इधर स्लाइड करके आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर देना है। उसके बाद इरेज वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर जो आगे सामने में है उसको इरेज करना है। इरेज वाला पे आके हार्डनेस, ओपेसिटी, साइज तीनों को कम करके फोटो को जूम करके अच्छी तरह से सामने सामने इस तरह से इरेज कर देना है। उसके बाद ऊपर राइट का निशान है, यहाँ से ओके करना है। फिर इधर राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको फिर इधर स्लाइड करना है और यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर से ड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर देख सकते हैं थ्री डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करके फोटो के यहाँ से सेव कर लेना है। सेव हो जाने के बाद अब इसमें लाइटिंग इफेक्ट लगाना है। लाइटिंग इफेक्ट लगाने के लिए आपको
स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपने अभी पिक्सार्ट फोटो को सेव किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसमें पॉप फिल्टर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपका फोटो में HDR लुक आ जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा फोटो में यहाँ पर HDR लुक आ चुका है। HDR आने के बाद यहाँ पर राइट के निशान है, ओके करना है। ऊपर पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। उसका फर्स्ट मैटर ट्यून इमेज क्लिक करके दाएं बाएं स्लाइड करके ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट करना है। ऊपर स्लाइड करके कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट करना है, इसको भी दाएं बाएं एडजस्ट करके कलर एडजस्ट करना है। तो किस तरह से कलर एडजस्टमेंट होता है इसका मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख के सीख सकते हैं। अब इसमें सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि मैं आप हमेशा रेगुलर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।